हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। का स्वागत है आप लोगों का मेरी शेयर में। सो गाइस, भारतीय स्टॉक मार्केट में हाईटेक पाइप्स लिमिटेड लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखा जा रहा है। फिलहाल तो इसमें आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले 5 दिन से आप देखोगे इसके अंदर काफी अच्छी तेजी थी और वन मंथ में लगभग अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 11% तक चढ़ा है गाइस, जिसकी पुष्टि कंपनी के द्वारा जारी की गई फाइनेंशियल 2025 की पहली क्वार्टर से होती है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और जो रेवेन्यू है दोनों ही बढ़ता देखने को मिला। कंपनी के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन जो पॉजिटिव देखने को मिले और 6 मंथ में लगभग हाईटेक पाइप लिमिटेड ने 70% तक का रिटर्न दिया है। गाइस देखिए, हाईटेक पाइप लिमिटेड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड वेल्डिंग स्टील राउंड सेक्शन पाइप्स, कोल रोल स्ट्रिप्स के साथ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का निर्माण करके उनकी आपूर्ति पूरे भारत में करती है। कंपनी अपने प्रोडक्शन ब्रांड जैसे जल शक्ति, ऑर्गेनिक पाइप्स, फायर फाइटर, बाहुबली, प्रीगेल, कैसवेल शक्ति, फ्लैक्समैक्स, क्रेस गार्ड आदि की सहायता से ब्लैक होलो सेक्शन राउंड पाइप एंड ग्लोवनाइज प्री ग्लोवनाइज पाइप जैसे अनेक प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, आप देखोगे इसका मार्केट कैप लगभग 3000 करोड़ का देखने को मिलता है, पीस का 62 देखने को मिलता है, हाई इसने 207 बनाया है और लो 79। इट मीन्स अच्छे प्राइस पे मिल रही है, पिछले 5 साल में 1000% का रिटर्न दे चुकी है। अगर लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 950% का रिटर्न देखने को मिलता है एक साल के अंदर, 127-126 आप कह सकते हो, एंड वही 6 मंथ में जैसे कि मैंने आपको दिखाया 70% तक का, और 1 महीने में लगभग 11% का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस देखिए, वीकली ओपनिंग देखा जाए तो 16 सितंबर को स्टॉक 190 रुपये पे बंद हुआ था। ठीक है, इसके बाद से स्टॉक में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई, क्योंकि स्टॉक बढ़कर आप भी कह लीजिए लगभग 17 सितंबर को ये आप कह सकते हो कि ये आपको 196-195 के आसपास देखने को मिला था। वहीं 18 सितंबर को आप देखोगे तो ये लगभग 199 के आसपास देखने को मिला। ठीक है, ये देखिए यहाँ के आसपास कहीं हमें देखने को मिलता है 199 के आसपास जाता होता, 101 के आसपास जाता हुआ देखने को मिलता, और आज की बात की जाए तो ये लगभग 197 पे जाता हुआ देखने को मिला, और फिलहाल तो इसने खाई भी बनाया आज के दिन 200 रुपये 76 पैसे तक का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया आज इसने। देखिए गाइस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अर्थात FII के द्वारा हाईटेक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, क्योंकि मार्च क्वार्टर तक कंपनी में FII की 1.95% की हिस्सेदारी थी। फिलहाल तो चलिए मैं इसके चार्ट पैटर्न पर लेकर चल सकती हूँ आपको, मैं इधर की साइड उसके स्क्रीन की साइड पर ले जाती हूँ और यहाँ पे इन्वेस्टर की होल्डिंग आपको दिखाती हूँ। देखिए सीधा 1.82% से 8.72% तक बढ़ी है, मतलब कहाँ प्रमोटर ने माल को बेचा, DII ने माल को बेचा, पब्लिक ने माल को बेचा, तो किसने खरीदा, FII ने खरीदा, भर के खरीदा, मतलब लगभग कह सकते हो 400% तक बढ़ाया है इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 400% तक। गाइस, हाईटेक लिमिटेड के द्वारा जारी की गई जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मुनाफा मतलब लगभग 18 करोड़ रुपये हो गया था, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के समान देखा जाए तो 7.95 करोड़ रुपये के था। कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब कह लीजिए कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 127% तक की वार्षिक बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार जो इसका रिवेन्यू है 886 करोड़ हो गया जो पिछले फाइनेंशियल क्वार्टर में देखा जाए तो 642 करोड़ रुपये था, तो उसमें भी लगभग 35% तक की वृद्धि हुई है। सो गाइस, मैं आपको ये कहूँगी हाईटेक पाइप्स लिमिटेड अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। फिलहाल आपको अभी थोड़ी सी ओवर वैल्यू देखने को मिली है और हल्की फुल्की प्राइस है, लेकिन आप इसको फिर भी डॉलर लेवल पर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलता है। सो गाइस, खुद स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो, यहाँ पर नए हो तो लाइक्स पर करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।